नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के पांच दिग्गज स्टॉक्स के बारे में, पांच जो बेहतरीन स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म रहा है, तो ऐसे में बनता है कि ऑटो सेक्टर जो है अभी जो हमारा पैंडमिक सिचुएशन है ऐसे में और भी परफॉर्म नहीं करने वाला है। लेकिन जो पैंडमिक सिचुएशन इसमें स्टॉक्स का वैल्यूएशन जो बहुत ही सस्ता हो चुका है, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनियों के स्टॉक्स जो है बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं। तो कौन से स्टॉक है जिसपे आपको दाव खेलना चाहिए ताकि जैसे हमारा ये पैंडमिक सिचुएशन खत्म होता है तो ये स्टॉक्स आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सके, क्योंकि जो अभी स्टॉक्स है आपको बहुत ही चीप वैल्यू पर मिल रहा है। और साथ ही साथ आगे आप भी जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहता है तो और भी चीप वैल्यूएशन पर ये स्टॉक्स आपको मिल सकता है। तो ऐसे में आपको नजर रखना है कौन से स्टॉक्स आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे पांच स्टॉक के, और पांचों स्टॉक्स का हम कंपैरिजन करेंगे और फिर आपको तय करना है कि इनमें से कौन से स्टॉक्स में आपको बाइंग करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे में आपको मार्केट को ध्यान में रखना है कि आगे मार्केट में गिरावट आती है या मार्केट में जो रिकवर देखने मिलता है, अगर रिकवरी होता है मार्केट में तो ये सारे स्टॉक्स में से जो मार्केट लीडर होगा वही स्टॉक सबसे पहले आपने प्राइस को रिकवर करेगा, मतलब जो मार्केट के साथ चलेगा। तो उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देखकर आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए और इन वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हमारा बजाज ऑटो लिमिटेड, ये हमारा बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, फंडामेंटली बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो इसके फंडामेंटल का हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी जो पी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है और जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में, और जो नेट सेल्स है मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है उसके बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो बजाज ऑटो जो है बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं ये हमारे जो है मार्केट लीडर में से एक है, और जो मैक्सिमम ईयर्स में चार्ट देखेगा तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसका चार्ट है। यहाँ पर देखिए 2008 का जो क्राइसिस है इसमें 90% करेक्शन देखने मिला था। तो हम ये पीछे के सिचुएशन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी जो हमारा सिचुएशन है वो भी बहुत ही अच्छा सिचुएशन नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस सिचुएशन में हो सकता है करेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने मिले। देख सकते हैं ये 195 रुपीज़ तक आ चुका था जबकि इसका प्राइस देख सकते हैं 1500 हुआ करता था, तो समझ सकते हैं कितना का 80% से 90% का करेक्शन था उस समय। और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं अभी था ये 3000 के ऊपर था और यहाँ से करेक्शन होकर के ये स्टॉक्स आ गया था 2000 पे, और फिर से ये अपने प्राइस को बहुत ही ज़्यादा रिकवर कर चुका है। तो फिर से देखना है कि ये आगे के मोमेंटम कैसा होता है, कि इसमें करेक्शन देखने मिलता है या इसमें फिर से आगे मोमेंटम देखने मिलता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आ जाते हैं यहाँ पी रेशियो, देखिए जो स्टॉक का पी रेशियो जो हमारा 10 होता है 12 होता है वो बहुत ही अच्छे स्टॉक में माने जाते हैं। जनरली हम सेक्टर बेसिस पे भी तुलना करते हैं, तो इसके भी हम पांच स्टॉक्स लिए हैं, पांचों स्टॉक्स में तुलना करेंगे पी रेशियो क्या है। तो इसका पी रेशियो देख सकते हैं 15 के आसपास है, 14.73 है, और जो डिविडेंड यील्ड देखते हैं बहुत ही बहुत शानदार है, देखते हैं 5.60% ये है हमारा इसका डिविडेंड यील्ड। तो उसके बाद पी रेशियो देख लिए 15 का है, डिविडेंड यील्ड देख लिए आप कितना है 5.60% का, और पी रेशियो भी आपने देख लिया 15 के आसपास, और अब अभी जो इसका मार्केट प्राइस है वो 52 वीक हाई के थोड़ा सा करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है, देख सकते हैं 3315 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई है, और अभी ये करेंट प्राइस जो है 2680 रुपीज़ है, तो थोड़ा सा करेक्शन पे आपको मिल रहा है, और आगे आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं या आप इसमें SIP कर सकते हैं, मतलब स्टॉक में भी SIP करते हैं, जैसे फर्स्ट इंस्टॉल अभी लगा दिए, आपने जो आपके पास पूंजी है उसको 10 भाग में डिवाइड कर दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाई, फिर आगे करेक्शन होता है तो फिर लगाएंगे, अगर तेज़ी देखने मिलता है आगे मतलब मार्केट में गिरावट की कोई संभावना नहीं होती है तो फिर भी हम SIP मोड में इन्वेस्ट करना बेहतर समझेंगे, लेकिन अभी जो हमारा सिचुएशन उसके अनुसार इसमें करेक्शन आना चाहिए।
तो देखते हैं कि जो भी होता है। अब इसके हम थोड़ा सा जो इसका सेल्स है उसको देख लेते हैं और वैल्यूएशन को भी फिर देख लेंगे। तो चलिए हम फाइनेंशियल पर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बजाज ऑटो, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बजाज ऑटो, और इसके हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स में इसका क्या इंक्रीजमेंट हुआ है या सेल्स इसका डिक्रीज क्या हुआ है, ये कंपनी के ग्रोथ को दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का सेल्स है, उसके बाद हमारा आ गया 2019 के दिसंबर का, अभी 20 का रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल्स है 7639 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ये इंक्रीज हुआ है। मतलब जो पिछले साल था 2018 का दिसंबर क्वार्टर, उसके बेसिस पर ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर सेप्टेम्बर क्वार्टर कंपेरिजन में डिक्रीज हुआ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो 1261 करोड़, ये जो हमारा दिसंबर क्वार्टर है उसी का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में देख सकते हैं कम है, और वही हमारा जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर 2018 का है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो रिजल्ट रहा है वो एक फ्लैट रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ये इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखिएगा कंपनी का जो रिजल्ट है वो, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखा गया है, लेकिन जो हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस है उसमें इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी का वैल्यूएशन है, तो मार्केट कैप कितना है 77,000 करोड़। पी रेशियो आपको पहले ही हमने दिखा दिया, पी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा कम था क्योंकि प्राइस थोड़ा घटते बढ़ते रहता है तो वहाँ अपडेट रहता है। तो ये देख सकते हैं 15.31 का पी रेशियो है, और वहीं इंडस्ट्री का पी रेशियो देखिएगा तो इसी के करीब है, तो मतलब इंडस्ट्री का जो पी है उसी के करीब ये मिल रहा है। तो हमारा जो ये स्टॉक्स है अभी इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, मतलब जो इंट्रेंसिक वैल्यू होना चाहिए, लेकिन मार्केट में करेक्शन देखने मिल रहा है, तो आप उम्मीद करें कि आप करेक्टेड प्राइस पर ही लें। तो वहाँ पर जो आपने देखा वो अपडेटेड था, यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो 2020 का क्वार्टर है वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो प्राइस करेक्शन देखने मिल रहा है, प्राइस में करेक्शन देखने मिल रहा है, इसलिए हमारा जो डिविडेंड यील्ड है वो बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद है हमारा दूसरा स्टॉक हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड। देखते हैं हीरो मोटर कॉर्प ये टू व्हीलर की लीडिंग कंपनी है, तो हीरो मोटर कॉर्प को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमारी ओर से है बजाज ऑटो, उसके बाद दूसरा है हीरो मोटर कॉर्प, क्योंकि आप जो ये पैंडेमिक सिचुएशन जैसे ख़त्म होता है तो टू व्हीलर का डिमांड बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, तो ऐसे में जो मार्केट लीडर है उसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। तो जो हमारा हीरो मोटर कॉर्प है इसका टू व्हीलर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो आप हीरो मोटर कॉर्प के साथ जा सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो इसका बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड हो चुका है, तो आप इस प्राइस पे अगर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा करेक्शन होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे करेक्शन मिलता है तो और आप इन्वेस्ट करते जाएँ। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कितना शानदार है 4.51%, और यहाँ पर पी रेशियो देखिए बहुत ही कम है 11.26, जहाँ 15 का पी रेशियो था बजाज ऑटो का, इसका मात्र 11.26 है, तो अच्छे पी रेशियो पे भी आपको मिल रहा है। और देख सकते हैं 3000 इसका जो है 52 वीक हाई प्राइस है, तो अभी आपको ये मात्र 2150 रुपीस पे मिल रहा है, तो बहुत ही करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे इसमें करेक्शन आता है तो आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। मतलब स्टॉक में आपको SIP मोड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी जो मार्केट देख रहे हैं वो उसमें लगातार गिरावट फिर रिकवरी, लगातार गिरावट फिर रिकवरी देखने मिल रहा है, तो ऐसे में आप जो है मार्केट के अनुसार चले, जैसे करेक्शन होता है तो आप इंस्टॉलमेंट अपना लगाते जाएं। तो चलिए हम इसके बैलेंस शीट को थोड़ा देख लेते हैं, तो इसका जो फाइनेंशियल है उसमें देख लेते हैं कंपनी कैसा रिजल्ट दे रही है, मतलब सेल्स में वृद्धि हो रही है और जो प्रॉफिट है उसमें वृद्धि हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, यहाँ देख सकते हैं ये भी दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट अभी तक पब्लिश हुआ है। हीरो मोटर कॉर्प देख सकते हैं जो नेट सेल्स था दिसंबर क्वार्टर 7074 करोड़ का, और वहीं पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बहुत ही कम था, मतलब दिसंबर क्वार्टर 2018 का द सेम पीरियड का, उसके कंपेरिजन में भी डिक्रीज हुआ है, तो मतलब सेल्स में लगातार डिक्रीज होते आया है।
तो यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं, तो 880 करोड़ पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब 2018 के दिसंबर क्वार्टर कंपैरिजन में भी प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है, नेट सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हुआ था जिसके कारण जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि सेल्स में तो हमें डिक्रीज़ देखने मिला। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है हमारा वो इंक्रीज़ होने के कारण कंपनी प्रॉफिट मेक करने में सफल रही, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में सफल रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बहुत ही अच्छा ये साइन है हमारे लिए कि कंपनी का नेट सेल्स डिक्रीज होने के बावजूद जो प्रॉफिट है इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जो है टू व्हीलर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ऐसे में आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि करेक्टेड प्राइस पर मिल रहा है और ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने आगे मिल सकता है, तो आप इसलिए SIP मोड में इन्वेस्ट करें। उसके बाद तीसरा स्टॉक्स है हमारा मारुति सुजुकी। दोस्तों मारुति की सुजुकी भी जो वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक्स है, तो इसलिए हमने तीसरा स्टॉक जो लिया है वो मारुति की सुजुकी लिया है। ये भी स्टॉक देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने मिल रहा है आपको, अभी जो इसका मार्केट प्राइस है देख सकते हैं मात्र 5000 है, कभी ये स्टॉक 10000 के आसपास हुआ करता था देखते हैं यहाँ पर, तो पिछले एक दो साल से बहुत ही अंडर परफॉर्म रहा है ऑटो सेक्टर, और इस साल का मार्केट प्राइस जो था हाईएस्ट मार्केट प्राइस वो था 7758 रुपीज़, इससे बहुत ही ज़्यादा करेक्टेड प्राइस पर आपकी आपको मिल रहा है, तो ऐसे में आप इसमें अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 1.60% का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 1.60 का, और जो पी रेशियो बहुत ही हाई है देख सकते हैं 24.42% डिविडेंड यील्ड बहुत पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं क्योंकि पी रेशियो बहुत ज़्यादा है 24 का पी रेशियो है। अब इसके हम देख लेते हैं कि कंपनी जो है नेट सेल्स में क्या हुआ है, तो फाइनेंशियल पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर आ चुके हैं, हम देख सकते हैं कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में किस प्रकार से मतलब परिवर्तन हुआ है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 20 तक का यहाँ पर रिजल्ट अपडेटेड है, तो यहाँ पर देखते हैं 20 में ये 18000 करोड़ का नेट सेल्स है, वहीं पिछले क्वार्टर में 20000 करोड़ का था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेट सेल्स डिक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हम मार्च 19 में देख लेते हैं, मार्च 19 में देख सकते हैं 21000 करोड़ मतलब 21000 करोड़ का था, जो कि इससे ज़्यादा था मतलब अभी का जो हमारा मार्च 20 क्वार्टर है उससे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में नेट सेल्स में डिक्रीज हुआ है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट 1291 करोड़ ये हमारा नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन बहुत लेस है क्योंकि पिछले क्वार्टर में था 1564 करोड़, इसके कंपेरिजन बहुत ही कम है नेट प्रॉफिट, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो और भी ज़्यादा कम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो मार्च 2019 क्वार्टर का जो हमारा प्रॉफिट था वो था 1795 करोड़ इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तुलना में बहुत ही कम है। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जो हमारा वैल्यूएशन है, कंपनी हमारा किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो पहले भी हम देख चुके हैं कि अभी जो इसका रिजल्ट अपडेट हो चुका है, तो ये हमारा अभी का अपडेटेड पी रेशियो है जो कि 24 का है, जो कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन है क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हमें बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है जबकि इंडस्ट्री का मात्र 16 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टॉक्स अभी बहुत ही महंगा मिल रहा है, तो इसलिए आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं और इसका डिविडेंड यील्ड भी थोड़ा कम है, थोड़ा करेक्शन का इसमें आने दें तब जाकर के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम अगले स्टॉक पे, अगला स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो अगला स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका अभी करेंट मार्केट प्राइस देखते हैं 410 रुपीज़ है, और हमारा जो अभी इसका डिविडेंड यील्ड है वो देख सकते हैं 2% का डिविडेंड यील्ड है वो, जो कि बहुत ही शानदार है। पी रेशियो बहुत ही हाई है, 21 का है पी रेशियो जो कि बहुत ही हाई क्योंकि मार्केट का पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो
मार्केट का पीडीसी की बात हम नहीं करें, इंडस्ट्री का पीडीसी 16 है 15 है, इसके अप्रॉक्स 16 और 15 के बीच मान सकते हैं। तो उसके कंपेरिजन में ये बहुत ही हाई वैल्यूशन पे मिल रहा है, मतलब इसमें आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं। तब जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो आप इसमें करेक्शन का वेट करें। और यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग टर्म में चार्ट, पिछले एक दो साल में अंडर परफॉर्म रहा है ऑटो सेक्टर, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक से देखते हैं, लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद देख सकते हैं हम फाइनेंशियल पर चलते हैं, और यहाँ फाइनेंशियल पर देखते हैं नेट सेल्स हमारा दिसंबर क्वार्टर तक का ही अपडेट है, मार्च क्वार्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया है इसलिए अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर जो हमारा है 25,000 करोड़ नेट सेल्स जो है हमारा 25,000 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछले साल 18 का जो दिसंबर क्वार्टर था उसके कंपेरिजन में कम है। तो नेट सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस डिक्रीज हुआ है। कर लेते हैं टोटल इनकम में, तो टोटल इनकम देख सकते हैं 25,000 करोड़ का है जो कि इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और जो हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस है, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिज करें तो डिक्रीज हुआ है, मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है प्रॉफिट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आप थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे थोड़ा मिल रहा है, पी रेशियो थोड़ा हाई है स्टॉक्स का। तो उसके बाद हमारा आता है पाँचवा स्टॉक्स, जो पाँचवा स्टॉक है वो है हमारे टाटा मोटर्स। तो दोस्तों टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, और अभी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देख सकते हैं कभी ये 600 रुपया का स्टॉक हुआ करता था, अभी आपको मात्र 88 रुपीज़ का मिल रहा है। इसमें 70 रुपीज़ का जब था तभी हमने कहा था आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये 50% अप्रॉक्स जो है रिटर्न दे चुका है, अप्रॉक्स 50% तक का रिटर्न, ये 30-50% ये भाग चुका है ऊपर। तो आप इसमें भी करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप इसमें मार्केट में जो चढ़ाव देख रहे हैं तो इसे में करेक्शन हो सकता है कि आए। उसके बाद इसका डिविडेंड यील्ड, अभी डिविडेंड ये दे नहीं रहा है, तो एक तरह से डिविडेंड इसका जीरो है। उसके बाद हम पी रेशियो की बात करेंगे, तो चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके पी रेशियो क्या है, मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, और इसके नेट सेल्स की भी बात कर लेते हैं कि नेट सेल्स कैसा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स दिसंबर क्वार्टर तक का ही, ये हमारा मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो 71,000 था दिसंबर क्वार्टर का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ था, जबकि हमारा ये देखिए दिसंबर क्वार्टर 18 के कंपेरिजन बहुत ही कम था। यहाँ पर देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है 1,954 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दिसंबर क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो सितंबर क्वार्टर से कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा था। वहीं देख सकते हैं और सब क्वार्टर में यहाँ तो नेगेटिव रिजल्ट था, वहीं यहाँ बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ था कंपनी को, देखते हैं -26,000 करोड़ ये लॉस था कंपनी का, जबकि यहाँ पर ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुका था। तो इस तरह से देख सकते हैं कंपनी जैसे प्रॉफिट अर्न करती है तो निश्चित है कि इसके शेयर में आपको तेज उछाल देखने मिल सकता है, और तो फिर शेयर आपको इस प्राइस पर कभी भी देखने नहीं मिल सकता है। तो अभी ये आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो ये पांच स्टॉक्स थे, इसमें से आपको तय करना है कि किन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप अपना भी रिसर्च अवश्य करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, और इसमें हम कहेंगे आप बजाज ऑटो के साथ जाएं, हीरो मोटर कॉर्प के साथ जाएं, और इधर कोई स्टॉक्स आप अगर आपको पसंद आता है, हमने आपको कंपेरिजन कर दिया और आप अपना भी रिसर्च करेंगे, और इधर जो भी स्टॉक्स आपको पसंद आता है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आप मार्केट लीडर के साथ चलें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें मार्केट लीडर ही आपको आगे लेकर जा सकता है और प्रॉफिट दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।